साल की बच्ची है, क्या संस्कार दिया हमने, उसके दिमाग में क्या डाला हमने। स्कूल में जब हो तो तुम्हारे पिताजी छाता लेकर के चलते हैं, और स्कूल के बाहर जब निकल जाओ तो तुम्हारे पिताजी लैपटॉप लेकर के चलते हैं। ये ड्यूअल पर्सनालिटी करने को हमने, हमारे सिस्टम ने फोर्स किया है उसको, और ये चीज सब जगह चलती है। और वह, और ये हालांकि बात की बात है, मैंने इसका रियलाइजेशन पहले जब मैं पटना में पढ़ाया करता था साइंस कॉलेज में, उसी समय मैंने किया था। ये एजुकेशन शुड बी ट्यून्ड टू द लाइफ स्टाइल ऑफ सोसाइटी। वो हमारे सामने जो ऑडियंस है उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, उसको अगर मैं नहीं जानता हूँ और अम्ब्रेला को लैपटॉप की जगह मैं अम्ब्रेला उनके दिमाग में डालता जाऊंगा तो बहुत सारी एनोमलीज होने वाली हैं। फिर ओरिजिनल थिंकिंग और वो इनोवेशंस और चीज़ों को पुट टुगेदर करना, वो इनडिसिप्लिनरी थॉट्स को सिंथेसाइज करना, ये सब कैसे हो सकता है जब हमने पहले ही दिन उसको ये समझा दिया कि जब आप स्कूल में आओ तो आपकी एक दूसरी दुनिया होती है, इसके रूल्स डिफरेंट होते हैं, और जब आप स्कूल से बाहर रहते हो तो आपके रूल्स डिफरेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का भी जन्म ऐसे ही हुआ था। जब मैं पटना साइंस कॉलेज में, मैंने 1980 के अंदर में पढ़ाना शुरू किया, मेरे को वहाँ पे क्लास 11 और 12 पढ़ाने के लिए कहा गया, तो IIT कानपुर से मैं MSc PhD करके आया था, अपने को बहुत अलग समझता था, अभी भी अलग ही समझता हूँ अपने को। तो पहली बार पटना में रसनिक एंड हेलिडे से फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, ऐसा मैंने तय किया, और वो किताब हमने सबको खरीदवा दी, और उसी से सब लोग, वही मेरी टेक्स्ट बुक होगी। पहले साल पढ़ाया, लोगों ने जरूर कहा, एक अफवाह उड़ी कि ये नया लड़का जो आया है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, कुछ हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया। हमारे विद्यार्थियों को वो फिजिक्स उतरी नहीं, दिल में नहीं उतरी जो हम उतारना चाह रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे। दूसरे साल पढ़ाया वैसा ही हुआ, तीसरे साल पढ़ाया वैसा ही हुआ, और तब मुझे समझ आया, जो अभी पन साहब कह रहे थे कि हमारी जो जिंदगी है, उस जिंदगी में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो दुनिया हम देखते हैं परिवार के अंदर में, गली के अंदर में, मोहल्ले के अंदर में, हम जिस जिंदगी में रहते हैं, अगर हमने उस जिंदगी के पैकेजिंग, उस जिंदगी के कन्वास में नहीं की, उसका हमने डब्बा नहीं बनाया और उसके अंदर में हमने अपने एजुकेशन को पैक नहीं किया है तो काम नहीं चलेगा। रसनिक हेलिडे की किताब बहुत प्यारी किताब है, मेरे को इतनी अच्छी लगी थी कि हमने सबसे पहले उसी को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन मुझे अच्छी इसलिए लगी थी कि उससे मेरा सामना तब हुआ था जब मैं IIT कानपुर में MSc करने के लिए गया था, नहीं जबकि मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, और यहां मैंने 11वीं क्लास में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। वो रसनिक हेलिडे की फिजिक्स का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो हमारे उन पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, जहाँ छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे, बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते थे पटना साइंस कॉलेज में, लेकिन उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो सराउंडिंग है, उनका जो इन्वायरमेंट है, वो टोटली डिफरेंट है। और रसनिक और हेलिडे का जो सराउंडिंग था, जो उन्होंने किताब लिखी होगी बैठ करके, तो वो टोटली डिफरेंट था, और इसलिए वो फेल हो रहा था। और तब हमने वो 8 साल लगा करके कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखी, जिसमें कि वो कंचे खेलते हैं लोग, जिसमें बंदर होता है, बंदर की पूंछ पकड़ के दूसरा बंदर लटकता है, जिसमें तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, और तब वो किताब जो है वो संतोषजनक परिणाम दे रही है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है सभी के लिए कि हमारी स्कूलों की पढ़ाई हमारे बच्चों के लाइफ स्टाइल के अनुकूल होनी चाहिए, और तभी हम उसको ओरिजिनल थिंकिंग, जहां हम रहते हैं अगर हमारा एजुकेशन उसे टोटली एक अलग ट्रेनिंग दे रहा है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर वो ट्रेनिंग मिल रही है स्कूलों से तो फिर वो सही रेजोनेंस होगा और इस कारण से उसमें से चीजें निकलेंगी। ये मेरा पटना साइंस कॉलेज है, बहुत बढ़िया लैब इसके अंदर में हुआ करती थी, इसी में मैंने पढ़ाया भी है और इसी में मैंने पढ़ा भी है। मेरा 11, 12 और BSc इसी साइंस कॉलेज पटना के अंदर में हुआ है, और बहुत अच्छी लैब थी वहाँ पर, और लैब ने बहुत अट्रैक्ट किया था मुझे, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हमने किए थे, लेकिन वहाँ पर एक वरांडा लैब हुआ करती थी,
एक बरांडा था, जब कॉलेज खत्म हो जाता था तो हम लोग जब जाते थे बाहर निकल करके अपने डिपार्टमेंट से, तो एक बरांडा होता था और जब जो विषय पढ़ाया जाता था उसकी चीजें उस बरांडे पे रख दी जाती थी। अगर कभी लेंसेज पढ़ाए गए तो उस वीक में वहाँ पे लेंसेज पड़े होते थे, कुछ पिंस पड़े होते थे, कुछ स्क्रीन्स पड़े होते थे। हम लोग जाते समय सड़क पे खड़े होके वरांडे पे चीज़ों को रख करके पैरलक्स हटाना, इस प्रकार की चीज़ें किया करते थे। और वो वरांडा लैब, उसने हमें फिजिक्स से जोड़ा था। सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स से हमें जोड़ा था उस वरांडा लैब में ने जोड़ा था। ये इनोवेशन था, ये हमारे पटना साइंस कॉलेज के शिक्षकों का इनोवेशन था, कुछ नया था। नहीं होता है अमूमन इस प्रकार की चीज, लेकिन हमारे यहां थी। ये सब बहुत जरूरी है। अभी केंद्रीय विद्यालय के संगठन के कुछ साइंस एग्जीबिशन, नेशनल साइंस एग्जीबिशन में मैं वहां पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बुलाया गया था, उनके प्रश्नों का उत्तर देना था मुझे। ये अभी 5 तारीख की बात है, आज 8 तारीख है, 3 दिन पहले। तो कई सारे जो सवाल, करीब 40 सवालों के उत्तर दिए मैंने। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे थे, करीब 450 बच्चे। तो एक सवाल आया कि क्या, एक 7वीं क्लास के बच्चे ने पूछा मुझसे, इज एग्जामिनेशन नेसेसरी टू टेस्ट द एबिलिटी? और मैंने उसका जवाब दिया था कि नो एग्जामिनेशन कैन टेस्ट एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन पर्सन। इम्तहान एक लीगल तरीका है कुछ लोगों को सेलेक्ट करने का और कुछ लोगों को रिजेक्ट करने का, ताकि आरटीआई जब हो तो आप बता सको कि मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट किया है और इसलिए इसको रिजेक्ट किया है। किसी व्यक्ति की एबिलिटी को टेस्ट करना ये किसी इम्तिहान के बस की बात नहीं है। ये हमने वहाँ पर जवाब दिया था। और हम इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर में इम्तिहान ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। सबसे अच्छा बच्चा कौन, जिसने इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं? सबसे अच्छा शिक्षक कौन, जिनके बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नंबर लेकर जाते हैं, वो सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे अच्छा शिक्षक, अवार्ड उसको। ये मैं कहानी फिर से एक दूसरी कहानी सुना रहा हूं आपको। ये 2017 की कहानी है, मेरे रिटायरमेंट के ठीक पहले वाले सेमेस्टर के अंदर में। सेमेस्टर खत्म होने के 13 दिन पहले एक गर्ल स्टूडेंट हमारे मेरे ऑफिस के अंदर में आई, और जब उससे हमारी वार्ता, पहली बार उससे मुलाकात हुई, और जब वार्ता हुई तो पता चला कि वो जेईई पास करके, यानी पहले तो जेई में उसने इम्तिहान दिया, मेंस दिया, एडवांस दिया, फिर उसके बाद उसने अच्छे रैंक लाए, आईआईटी कानपुर में उसका एडमिशन हुआ बीटेक के अंदर, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद उसके ग्रेड्स खराब होने शुरू हुए और चीज़ों में वो फेल होने लगी, और करते करते 4 साल के कोर्स में 6 साल, जब मुझसे मिली 6 साल ऑलरेडी लगा चुकी थी, कई सारे उस सब्जेक्ट्स में फेल हुई थी, और लेकिन बहुत मेहनती और बहुत संकल्प वाली थी, और उसने सब समर कोर्स करके ये वो करके सारे बैकलॉग अपने क्लियर कर लिए थे। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो एक फिजिक्स का कोर्स सबको पढ़ना है, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, सबको फिजिक्स का कोर्स पढ़ना ज़रूरी होता है, और सबको केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ना ज़रूरी होता है, सबको मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ना ज़रूरी होता है, कॉमन होता है फर्स्ट ईयर के अंदर में। वो कोर्स 5 बार इम्तहान देने के बावजूद भी उसे क्लियर नहीं हुआ था, 5 बार वो फेल हो चुकी थी, और 6ठी बार अब वो अपीयर हो रही थी, और इसी कोर्स के पास होने और न होने के कारण से उसको डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका पूरा निर्णय होना था, और 6 साल के बाद शायद उसके लिए ज्यादा कठिन हो जाती वो डिग्री प्राप्त करना। 90 नंबर के इम्तहान हो चुके थे, 200 में से 90 नंबर के इम्तहान हो चुके थे जब वो मुझसे मिली थी अंतिम इम्तहान से 13 दिन पहले, और उस 90 नंबर के इम्तहान में उसको 0 नंबर आ चुका था, और अब सिर्फ 110 नंबर के इम्तहान बाकी थे, और उसके अंदर इतने नंबर लाने थे कि पूरे 200 में जो भी पास मार्क तय किया जाए उतने नंबर कम से कम वो आ जाए इस 110 नंबर में, तभी वो पास कर सकती थी। और वहां से मेरा उसका इंटरेक्शन शुरू हुआ। उस 13 दिन के अंदर में मैं 4 या 5 बार उससे मिला,
दो दो घंटे की, ढाई ढाई घंटे की हम लोगों ने सिटिंग्स ली। मैंने उसको कुछ 10-15% उस समय का फिजिक्स समझाने में या फिजिक्स बताने में इस्तेमाल किया, और बाकी सारा समय मैंने उसको ये बताने में इस्तेमाल किया कि यू आर नॉट ए डफर, तुम क्षमता विहीन नहीं हो, तुम्हें बहुत क्षमता है, तुम आईआईटी के बहुत सारे स्टूडेंट से अच्छी हो। ये समझाने में बाकी सारा समय जाता था मेरा। मैं बार बार उनसे उससे कहा करता था, रो थी भी, वास्तव में थी, ये केवल उसको खुश करने की बात नहीं थी। पहले ही दिन के इंटरेक्शन में मुझे समझ आया कि इसके अंदर क्षमता है, तभी मैंने उस केस टेकअप किया। और मैं अक्सर उनसे पूछा करता था, जब वो कुछ पूछती थी फिजिक्स की बात, तो हम कहते थे अच्छा इतना अच्छा सवाल तुम्हारे दिमाग में आ गया, ऐसा तो कभी आता ही नहीं है आईआईटी के स्टूडेंट्स को, तो किसी ने तुम्हें आज तक बताया नहीं कि यू आर सो गुड। ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताते हुए, उस 13 दिन के अंदर में उसने इतना इतनी हुई वो तैयार, उसने परीक्षा दी। उसके पहले तमाम उसके साइकेट्रिस्ट से इलाज भी हो चुका था, और वो टैबलेट्स भी खाती थी, और उसकी काउंसलिंग भी होती थी, और वो कमरे में अपना बाल भी नोचा करती थी, और हल्ला चिल्लाती भी थी, वो सब कुछ था। लेकिन उसने उस 110 के नंबर के इम्तहान में इतने नंबर लाए कि वो पास हुई, और उसने कम से कम 125 विद्यार्थियों को अपने क्लास में पीछे छोड़ा। ये 5 बार जो परीक्षा ली आईआईटी कानपुर के सिस्टम ने, क्या उस बच्ची की एबिलिटी को वो थोड़ा सा भी परख पाई? नहीं परख पाई। तो ये इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, जिसको कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम नकारस कह रहे हैं, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर में उसने फिट नहीं हुई, उसमें उसने नंबर नहीं लाए, और हम वो भी डिप्रेशन में, और हम भी डिप्रेशन में, माँ बाप डिप्रेशन के अंदर में, सब कुछ। तो ये सोचने की बात है कि हम लोग कितना बड़ा नुकसान देश का कर रहे हैं। इम्तहान के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है, ये इम्तहान से सारा एजुकेशन ड्राइव होता है, और ये इम्तहान इतने अनरिलायबल और ऐसे होते हैं, इसके बारे में जरूर कुछ सोचने की जरूरत है। एक छोटे स्तर पर हमने थोड़ा प्रयोग करने की कोशिश की। हमारी एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टीचर्स, और उसके तत्वावधान में हम लोग प्रत्येक वर्ष एक टेस्ट करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं नेशनल लेवल पर, जिसको हम कहते हैं नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, नेस्ट, NAEST। तो उसके अंदर में 24 जगह पे हमारे इस प्रकार के केंद्र हैं, इस प्रकार की प्रयोगशालाएं हैं, ओपन प्रयोगशालाएं। ये भी एक बड़ी अजीब सी कहानी है, हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं स्कूलों के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर में, या तो है नहीं, और अगर हैं तो उनका सब सिलेबस फिक्स्ड है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होने, और जो एक्सपेरिमेंट होने हैं उनके स्टेप्स फिक्स्ड हैं कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं, कौन सा पेज कब कसना है, और कौन से मीटर का रीडिंग कब लेना है, और कौन सा ग्राफ खींचना है, फिर वो एक्सपेरिमेंट ही क्या हुआ।